बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नऊ गृहनिर्माण अभियंतांची केली निवड माहिती अधिकार प्रकरणात झाला उघाडा गोंदिया जिल्ह्यातील आठ पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या गोरगरीब गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकाम योजनेचा लाभ देण्यासाठी शाखा आमगाव व स्वामी विवेकानंद संस्था गोंदिया यांच्या माध्यमातून ऐंशी ग्रामीण गृहनिर्माण कंत्राटी अभियंता म्हणून निवड करण्यात आली परंतु सदर दोन्ही संस्थांनी शासनांच्या नियमांचे पालन न करता एकूण नऊ युवकांची बोगस शैक्षणिक प्रमाणपत्राद्वारे त्यांची निवड करण्यात आली आहे तक्रारकर्ता खोमेश पटले यांनी संबंधित कार्यालयाला माहितीचा अधिकारामार्फत दहा जानेवारी दोन हजार वीस माहिती मागितली असता बोगस भरती केल्याचे अधिकाराचे पितळ उघडे पडल्याचे दिसून आलेले आहे शैक्षणिक पात्रता पदवीधर असलेल्या अभियंताला डालवून बोगस पदवीधर प्रमाणपत्राद्वारे अभियंताची निवड संस्थाद्वारे केल्याने संस्थेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे तक्रारकर्ता खोमेश पटले यांनी जिल्हाधिकारी आयुक्त नागपूर तसेच इतर संबंधित विभागांकडे निवेदनाद्वारे तक्रार केली असून संस्थेवर दंडात्मक कारवाई करून योग्य शैक्षणिक पदवीधर अभियंतांची निवड करण्यात यावी अशी देखील मागणी केलेली आहे बोगस अभियंता भरणी प्रकरणात संस्थेवर संबंधित विभागाचे अधिकारी काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे रिटेंडरिंग गई उसमें दो संस्था को टेंडर देने में आया उसमें स्वामी विवेकानंद गोंदिया व दीपशाखा आमगाव ऐसे दो संस्था को टेंडर देने में आया पर इन संस्थाओं द्वारा एक अनुभवी व शिक्षित अभियंता को बेरोजगार करके उनकी जगह पर फर्जी व बोगस डिप्लोमा व डिग्री अभियंता की नियुक्ति पैसों के बलों पर की गई उसकी तकरार मैंने माननीय जिला अधिकारी मैडम गोंदिया व माननीय उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोंदिया व प्रकल्प संचालक जिला ग्रामीण विकास यंत्र गोंदिया को दी है मैं पिछले आठ महीने से न्याय मांगने घूम रहा हूँ पर प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है पूरे जिले में ऐसे नौ अभियंता कार्यरत है जिन्होंने फर्जी व बोगस डिग्री डिप्लोमा बनाकर संस्था को एक दो लाख एक दो लाख रुपए देकर जॉब कर रहे हैं ऐसे बेजवाबदार व भ्रष्टाचारी संस्था जिन्होंने शासन निर्णय को ही बदल डाला पैसों की खातिर ऐसे संस्था के खिलाफ प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई कर कर उस संस्था को ब्लैकलिस्ट व उस संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करके उस पर कड़क कार्रवाई की जाए ऐसे आज मुझ पर जो अन्याय हुआ है उस वो अन्याय मेरे किसी बेरोजगार अभियंता पे आगे चल के ना हो इसलिए मैं प्रशासन से विनती करता हूँ ऐसे भ्रष्टाचारी व फर्जी बोगस अभियंता व संस्था पर कड़क से कड़क कार्रवाई करके मुझ शिक्षित अभियंता को न्याय दिला दिलाए यही मैं विनती करता हूँ प्रशासन को चेतावनी के तौर पे देता हूँ कि 20 अक्टूबर तक मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं माननीय जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आत्मदहन करने में सक्षम हूँ